है कि दैट इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. कि अभी जो बताया मैंने, विटामिन ए के वजह से रोडोप्सिन फॉर्म होता है, और रोडोप्सिन किसके काम के लिए लगता है? रॉड्स के काम के लिए लगता है. रॉड्स काम कब करते हैं? जब अंधेरा रहता है, या अर्ली इन द मॉर्निंग आप 5 o'clock देखेंगे, या इन द इवनिंग 7-8 o'clock जब देखेंगे, तो वो डार्कनेस में देखने के लिए रॉड्स काम करते हैं. और रॉड्स को बनाने के लिए कौन सा केमिकल लगता है? रोडोप्सिन लगता है. रोडोप्सिन किससे फॉर्म होता है? विटामिन ए से फॉर्म होता है. और विटामिन ए की जब डिफिशियंसी बॉडी में होती है, विटामिन ए का एनर्जी सोर्स कौन रहता है? कैरोट रहता है. कैरोट ज्यादा खाने से विटामिन ए बॉडी को मिलता है. अगर कोई पर्सन के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई, तो वो रॉड्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते, क्योंकि उनमें रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट फॉर्म नहीं हो जाता. तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं. उसको अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उसको अर्ली इन द मॉर्निंग या एट द टाइम ऑफ नाइट उसको दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. देखो, नाइट में ही सिर्फ ब्लाइंडनेस आता है, डे टाइम में ब्लाइंडनेस नहीं आता है. उसकी जो स्कोटोपिक विजन रहती है उसमें प्रॉब्लम आता है. तब ऐसे पर्सन को क्या करना है? उसको विटामिन ए खाने को दे दो, उसकी डिफिशियंसी कम हो जाएगी. बॉडी में विटामिन ए जब मिलेगा, तब रोडोप्सिन फॉर्म होगा. रोडोप्सिन से रॉड्स काम करना शुरू कर देंगे, एंड दैट विटामिन ए कैन बी क्यूर द नाइट ब्लाइंडनेस. वो नाइट ब्लाइंडनेस को क्यूर करवा सकता है. मगर कलर ब्लाइंडनेस जो रहता है ना, वो जो कलर ब्लाइंडनेस रहता है, दैट इज द जेनेटिक डिफेक्ट. जेनेटिक डिफेक्ट बोले तो कलर सेंसिटिव सेल्स, जिसको हम कोन्स बोलते हैं, वो कोन्स को बनाने वाला जो ऑडियोप्सिन नाम का जो केमिकल रहता है, वही फॉर्म नहीं होता. तो कलर सेंसिटिव सेल्स ही फॉर्म नहीं होते, कोन्स ही फॉर्म नहीं हो जाते. अब कोन्स फॉर्म नहीं हो जाते हैं, तब उसमें जो डिफेक्ट आता है, वो दैट पर्सन कैनॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स इन रेनबो, या पर्टिकुलरली इन रेड एंड ग्रीन. उसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं. और वो जो कलर ब्लाइंडनेस रहता है, वो जीन के अंदर आने वाले डिफेक्ट्स के वजह से हो जाता है. जीन्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसके डिफेक्ट से हो जाता है. तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस. तो ये नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस का जो डिफरेंस रहता है, वो इसमें रहता है. तो नाइट ब्लाइंडनेस बहुत सिंपल रहता है, दैट कैन बी क्यूर बाय द ट्रीटमेंट बाय कंज्यूमिंग द विटामिन ए. विटामिन ए को कंज्यूम करो, नाइट ब्लाइंडनेस अपने आप कम हो जाता है. ह्यूमन आई में एनिमल आई का, हाँ वो चैट करो और एक बार चैट करो. ह्यूमन आई में क्या बोले? एनिमल आई का टाइप, वन मोर टाइप. हाँ, आई डिजाइन कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते. तो देखो, समझो किसी का, दूसरे एनिमल का अगर ह्यूमन में अगर ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मेन जो ये होता है, वो किसका रहता है? तो ब्लड ग्रुप मैचिंग का रहता है. समझो ह्यूमन टू ह्यूमन हम आई ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, मगर दूसरे एनिमल का, कोई गोट का आए या शीप का आए या अदर कोई एनिमल का आए, जैसे ह्यूमन साइज शेप के जैसा ही जिसका आए है, उसका हम ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं होगा. तो ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो जाता, तब बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. तो आई डोनेशन ह्यूमन, देखो आफ्टर डेथ भी आई डोनेट करवा सकते हैं विद इन फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स के विद इन अगर आई डोनेट करते हैं, तो वो जो ब्लाइंड पर्सन रहते हैं, दे कैन सी, हाँ वो देख सकते हैं, इसीलिए आई डोनेट करते हैं. तो ह्यूमन टू ह्यूमन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप मैच होने का चांस रहता है, मगर अदर एनिमल का ये
हाँ कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्निया को पहले ही मैंने बता दिया कि कॉर्निया विदाउट ब्लड वेसल्स रहता है, इसीलिए बहुत ही इजीली ट्रांसफर करने वाला जो ऑर्गन रहता है वो, या पार्ट जो रहता है वो कॉर्निया रह सकता है, मगर कंप्लीट आई नहीं कर सकते। कंप्लीट आई सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ही कर सकते हैं। कॉर्निया इजीली कैन बी ट्रांसफर, क्योंकि कॉर्निया ऐसा पार्ट रहता है कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स ही नहीं रहते हैं, तो आपने आई का कॉर्निया ऐसा पोर्शन रहता है कि वो एयर में से डायरेक्टली एब्सॉर्ब ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर ला सकता है, उसको ब्लड की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए कॉर्निया कैन बी ट्रांसप्लांट, मगर आई कैनॉट, कंप्लीट आई कैनॉट बी ट्रांसप्लांट, कंप्लीट आई ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। और हाँ, व्हाट इज कैटरेक्ट? कैटरेक्ट बोले तो अपना जो लेंस रहता है, लेंस के ऊपर जब प्रॉब्लम आ जाती है तब उसको कैटरेक्ट ऐसे बोला जाता है। उसमें लेंस क्या करवा सकते हैं, एक मिनट, लेंस क्या करवा सकते हैं, नॉर्मली आपने जो लेंस रहते हैं वो क्लियर लेंस रहते हैं, लेंस का ये तो रहता है ना आईज के अंदर जो रेज आते हैं वो रेज को डायरेक्टली रेटिना के ऊपर फॉल होने नहीं देते हैं। रेटिना के ऊपर अगर आई रेज डायरेक्टली फॉल होते हैं तो दे कैन डैमेज टू द रेटिना, वो रेटिना को डैमेज करवा सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वो जो ये रहता है, एक मिनट, उसके ऊपर वो जो व्हाइट एरिया जो रहता है दैट ग्रोज ओवर द आई एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिसीज, जिसके आंख की जो एक बीमारी है जिसमें आंख में एक सफेद सा टुकड़ा बन जाता है, बन जाता है जो कि रेज को, देखो किसी किसी के उसको मोती बिंदु बोल सकते हैं ना, कैटरेक्ट बोले तो सिंपली उसको हम क्या बोल सकते हैं, मोती बिंदु बोल सकते हैं, जो आईज के अंदर कौन से पोर्शन को फॉर्म करवा देता है, ऐसे एक आई स्पॉट को फॉर्म करवा देता है, आई स्पॉट बोले तो व्हाइटिश पोर्शन आ जाता है, तो उसको कैटरेक्ट बोलते हैं, जो कि वो रेज को अंदर डायरेक्टली आने देता है, फिर उसके रेटिना के ऊपर उसका इफेक्ट, वो बाय द सर्जरी मोती बिंदु का जो ऑपरेशन करते हैं ना उसके थ्रू दैट कैन बी इजीली कि उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज ऑस्टिग्मैटिक, और एक बार टाइप करो, हेलो और एक बार टाइप करो, ऑस्टिग्मैटिज्म, एक मिनट, ऑस्टिग्मैटिज्म का मीनिंग रहता है कि किसी व्यक्ति की आंख का ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण साफ नहीं दिखाई देता है, दैट पर्सन्स आईज दैट प्रिवेंट हिम फ्रॉम सीइंग क्लियरली, जो उसके शेप में फॉल्ट आ जाता है और वो क्लियरली दिख नहीं पाता है, उसको ऑस्टिग्मैटिज्म ऐसे बोलते हैं। और
चेंज इन विट्रस ह्यूमर, हाँ अगर विट्रस ह्यूमर में चेंज हो जाता है तो दिखाई नहीं देगा ना उसको, दिखने का तो प्रॉब्लम ही नहीं। देखो किसी किसी को एक्सीडेंटली जब उसके आईज में समझो कोई ऐसे शार्प मटेरियल घुस गया तो उसका आई आई अंदर चला जाता है, पूरा ऐसे अंदर चला जाता है, अंदर खींच लेता है। जैसे बलून में एयर है तो बलून को शेप है, आप बलून में का एयर निकालो उसका शेप निकल जाता है, या कोई भी आपका फुटबॉल है या वॉलीबॉल है उसमें आप एयर भरते हैं, इसीलिए अंदर से जो वो जो एयर का प्रेशर रहता है वो बॉल को शेप देता है। आप उसको पंक्चर करवा दो, पंक्चर करवा दो वो शेप निकल जाता है। वैसे जो विट्रस ह्यूमर जो रहता है ना, विट्रस ह्यूमर आई को शेप देने का काम करता है। एक्सटर्नल समझो उसमें अंदर ऐसे आई के अंदर पिन चली गई और वो विट्रस ह्यूमर रप्चर हो गया, पंक्चर हो गया और पूरा पानी बाहर निकल आ गया, तो नो डाउट वो उसका जो आय शेप रहता है वो नॉर्मल रहेगा ही, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है बोले तो पूरा खींच लेता है अंदर, जैसे बॉल में से हवा निकलने से बॉल का शेप चेंज हो जाता है, वैसे ये आईबॉल है, आईबॉल में से विट्रस ह्यूमर को निकाल दो वो पुनः पूरा पानी बाहर निकल आ जाता है और परमानेंटली चेंज इन द शेप, परमानेंटली शेप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्री बायोस्पिया बोले तो विजुअल डिफेक्ट कॉमन इन ओल्डर पीपल, अपने जो ओल्डर पीपल रहते हैं ना, ओल्ड पीपल के अंदर जो सिलेरी मसल्स रहते हैं ना, वो सिलेरी मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और सिलेरी मसल्स वीक होने के वजह से अपना जो लेंस रहता है दैट लेंस इज नॉट प्रॉपरली हेल्ड इन पोजिशन, और वो लेंस के ऊपर हार्डनिंग आ जाती है, और हार्डनिंग आने की वजह से दैट पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली। अगर उसके रेटिना की तरफ अगर रेज प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं तो कलर सेंसिटिव सेल उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो पर्सन दैट कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो पर्सन प्रॉपरली देख नहीं पाता है, उसको प्रीबोस्पिया ऐसे बोला जाता है। लेंस इससे बने हुए रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए रहते हैं। थीन लेयर रहता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल रहता है उसके अंदर। अकोमोडेशन का मीनिंग टू अकोमोडेट बोले तो टू अकोमोलेट, अकोमोलेट बोले तो समा लेना उसको, उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। और कुछ हाँ, क्वेश्चन क्या है? टीयर ग्लैंड्स आईज में होता है क्या? हाँ, तो टीयर ग्लैंड्स आपने जो बाजू में जो साय ये रहता है ना, बाहर जो एक्वियस फ्लूइड रहता है, वो एक्वियस फ्लूइड्स के यहाँ टीयर ग्लैंड्स रहते हैं, वो जो टीयर ग्लैंड्स रहते हैं उसका ही सिक्रीशन एक्वियस फ्लूइड में रहता है। जब हम आंखों में कुछ कचरा चला जाता है या डस्ट चला जाता है तो सडनली आंखों में से पानी आना शुरू कर देता है, तो वो जो वाटर रहता है वो एक्वियस ह्यूमर से, दैट इज ड्यू टू द टीयर्स ग्लैंड्स, उसको ही लैक्रिमल्स ग्लैंड्स बोला जाता है। दिस लैक्रिमल्स ठीक है, फिर आज इतना कंप्लीट करवा लेते हैं, बाकी का दैट इज रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन ईयर को पढ़ लेते हैं,
नेक्स्ट सेंस ऑर्गन जो है वो ह्यूमन ईयर को पढ़ना है. ओके ओके ओके. रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके पार्टिसिपेंट्स.